ये कहानी एक ऐसे बार की जिसमें तुम जादू अपनी मर्जी से सकते हो लेकिन तुम वहां से वापस नहीं आ सकते, क्योंकि अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन अगर आप बार के अंदर भी रहते हैं तब भी आपकी जान आसानी से नहीं बच पाएगी। कहानी की शुरुआत एक बार को दिखाते हुए होती है। अब इसके बाद इस बार में एक आदमी आता है और इसका नाम सर्जियो होता है। जब वो इस बार के अंदर आता है तभी एक आदमी इस बार से बाहर भी जाता है और जैसे ही वो आदमी बाहर जाता है उसे शूट कर दिया जाता है। ये देखकर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कोई नहीं जानता ये गोली किसने मारी, वो कौन है, दिखता कैसा है। और अब सड़कें पूरी तरह से खाली हो चुकी थीं। इस बार के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग होते हैं और ये समझ नहीं पा रहे थे कि अब इन्हें करना क्या है। अब यहाँ पर सैतुर नाम का एक आदमी पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन इसके फोन में नेटवर्क ही नहीं होते। खैर अब उस बार के अंदर से एक आदमी उस मरे हुए आदमी को चेक करने के लिए आता है लेकिन उसी दौरान उसे भी कोई शूट करके मार डालता है। और अब तो बार के अंदर मौजूद लोगों की हालत और भी बुरी हो जाती है, वो काफी डर जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कर कौन रहा है। यहाँ पर एलेना नाम की एक लड़की इनसे कहती है कि हमें टीवी पर न्यूज देखनी चाहिए, शायद इस बारे में टीवी पर कोई न्यूज चल रही हो। लेकिन इस घटना के बारे में टीवी पर कोई भी न्यूज नहीं आ रही थी। और अब जैसे ही ये लोग मुड़कर पीछे देखते हैं उन दोनों लोगों की लाशें यहाँ से गायब हो चुकी थी, यहाँ तक कि उनका खून भी साफ कर दिया गया था। अब यहाँ पर इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। अब यहाँ पर सैतुर नाम का एक आदमी कहता है कि शायद ये जो भी है वो चाहता है कि हम इस बार से बाहर ना निकले। और दूसरी तरफ सर्जियो कहता है कि शायद हम में से ही कोई किलर हो या हम में से कोई आतंकवादी भी हो सकता है। खैर अब ये सभी लोग यहाँ पर अपनी अपनी अटकलें लगाने लगते हैं, जिसके जो मन में आता है वो अपनी बात कहता है। अब ये बातें सुनकर इनमें से नाचो नाम का एक आदमी अपने बैग को पैर से छिपा देता है। अब यहाँ पर सर्जियो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और इस बारे में सभी को बता देता है। खैर अब इसके बाद नाचो के बैग को उठा लिया जाता है और जब उसे खोला जाता है तो उसमें से कुछ कपड़े और एक हार्ड डिस्क मिलती है। यहाँ पर नाचो कहता है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि किसी को नुकसान हो। वो यहाँ पर बताता है कि मैं एक एड कंपनी में काम करता हूँ और इस हार्ड डिस्क में मेरी जरूरी फाइल्स हैं। लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और एलेना उसकी हार्ड डिस्क को तोड़ देती है। उस हार्ड डिस्क के अंदर इन्हें कुछ भी नहीं मिलता और नाचो इस बात से काफी दुखी होता है। तभी नाचो को काउंटर पर एक ब्रीफ केस दिखाई देता है। वो यहाँ पर सभी से पता करता है कि वो ब्रीफ केस किसका है और यहाँ पर सर्जियो कहता है कि हाँ ये मेरा ही है। और इससे पहले कि सर्जियो उस ब्रीफ केस को उठा पाता, इस बार की ओनर एम्पारो इस ब्रीफ केस को उठा लेती है। यहाँ पर सर्जियो एम्पारो से उस ब्रीफ केस को ना खोलने के लिए कहता है लेकिन यहाँ पर इसराइल नाम का एक आदमी उस ब्रीफ केस को खोल देता है और उस ब्रीफ केस के अंदर कुछ औरतों के कपड़े निकलते हैं। अब इससे पहले कि ये लोग आगे कुछ समझ पाते इन लोगों को बाथरूम से एक आवाज आती है। अब ये लोग उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन उसका दरवाजा अंदर से लॉक्ड होता है। खैर ये लोग किसी तरह से दरवाजे को खोल लेते हैं और उसके अंदर जाते हैं। यहाँ पर ये एक मोटे से आदमी को पाते हैं जो कि बेहोश होता है। कहानी के शुरू होते ही ये आदमी इस बाथरूम के अंदर खांसता हुआ चला गया था और तब से ये आदमी यहीं पर बेहोश पड़ा है। इस आदमी के पास एक इंजेक्शन भी होता है और यहाँ पर एलेना उस इंजेक्शन को उठा लेती है। और तभी इन लोगों को बाहर से गाड़ियों की आवाज आती है और जब ये लोग बाहर देखते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे आर्मी ऑफिसर पहुंच चुके हैं जिन्होंने ये अपने चेहरे पूरी तरह से ढक रखे होते हैं। ये लोग यहाँ पर बहुत बड़े टायर्स का एक ढेर लगाते हैं और उसे जलाकर यहाँ से चले जाते हैं। और अंदर फंसे बेचारे लोगों को लग रहा था कि शायद ही उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए हैं लेकिन वो ऐसा नहीं करते और चले जाते हैं। अब इसके बाद टीवी पर एक न्यूज आती है कि सिटी के एक बहुत ही बड़े हिस्से में आग लग गई है और इसी वजह से उस जगह को सील करना पड़ गया है और वहां पर अब किसी का भी जाना मना है। अब अंदर फंसे लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। और तभी वो आदमी बाथरूम से बाहर आ जाता है जो कि पहले उसमें बेहोश पड़ा था। अब उसकी पूरी बॉडी फूल चुकी थी और उसकी आंखें काफी डरावनी लग रही थीं और ये वहीं पर गिरकर मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो कहता है कि मुझे छूना मत। अब इसके बाद ये लोग उस आदमी का फोन उठाते हैं और पाते हैं कि ये तो एक आर्मी ऑफिसर था। अब इसका फोन चेक करने पर इन लोगों को और भी फोटोज मिलती हैं जिसमें कि लोगों ने वायरस से बचने के लिए कपड़े पहन रखे होते हैं। अब बार में मौजूद सभी लोग समझ जाते हैं कि इस एरिया को क्वारंटीन कर दिया गया है और ये जो आदमी जो अभी यहाँ पर मरा है वो इन्फेक्टेड था और इसी वजह से इसकी जान चली गई है और अब यहाँ पर हम में से भी बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड होने वाले हैं। दूसरी तरफ नाचो को दिखाया जाता है जो कि किसी तरह से अपने फोन में सिग्नल लाने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो टेबल पर चढ़कर अपने फोन को ऊपर करता है तब उसके फोन में नेटवर्क आ जाता है। वो ये बात सभी लोगों को बताता है। यहाँ पर नाचो से कहा जाता है कि वहाँ जो भी हो रहा है किसी मीडिया वाले को कॉल करके उसे सब कुछ बता दो। अब यहाँ पर सैतुर भी फोन पर बात करने के लिए उस टेबल पर चढ़ जाता है जिसकी वजह से वो टेबल टूट जाती है। और तभी यहाँ पर एंड्रेस नाम का एक आदमी नाचो से फोन मांगता है लेकिन एम्पारो उसे रोक देती है। वो उसे कहती है कि इस फोन को मत छूना क्योंकि ये फोन उस इन्फेक्टेड आदमी का था।
और अगर तुमने इस फोन को छुआ तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। अब सर्जियो और एंड्रेस के ये बात समझ आ जाती है। और अब इसका मतलब था कि नाचो और वो सभी लोग जिसने कि उस इन्फेक्टेड आदमी को छुआ था वो सभी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और ऐसा करने वाले इनमें से 5 लोग होते हैं। अब यहाँ पर एंड्रेस उन्हें अपनी गन से धमकाता है। वो इनसे कहता है कि इस आदमी की बॉडी को उठाओ और नीचे बने तहखाने में उसे रखाओ। अब यहाँ पर इन लोगों को उसकी बात माननी पड़ती है और ये 5 लोग उसकी डेड बॉडी को लेकर नीचे तहखाने में चले जाते हैं। अब ऊपर सिर्फ 3 लोग बचे थे। अब यहाँ पर ट्रिनी नाम की एक औरत को घुटन होना शुरू हो जाती है। वो यहाँ पर उन लोगों से तहखाने का दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। और अब जैसे ही खुद ट्रिनी दरवाजा खोलने के लिए जाती है तब वहाँ पर रखी कुछ बॉटल्स गिर जाती है और उनमें से बहने वाले लिक्विड की वजह से इन लोगों की नजर एक जाली पर पड़ती है, जिसका मतलब था कि ये सभी लोग वहां से होते हुए पानी के रास्ते यहां से बाहर जा सकते हैं। अब यहां पर इजराइल उस ढक्कन को खोल देता है और वो यहां से होते हुए बाहर जाने का फैसला करता है। और इसीलिए वो अपने पूरे शरीर पर तेल लगाता है और चिकना होकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उस ड्रेनेज का छेद ज्यादा बड़ा नहीं था और इसीलिए वो बीच में ही फंस जाता है। और तभी इन लोगों को गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सुनकर ये काफी डर जाते हैं और ऊपर से आ रहे धुएं को देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि जो ऊपर 3 लोग बचे थे उन्हें मारकर किसी ने बार में आग लगा दी है। दूसरी तरफ इजराइल अभी भी उस ड्रेनेज में फंसा हुआ था और अब ये लोग ड्रेनेज से इजराइल को बाहर निकालते हैं। अब बार के ऊपर लगी आग भी बुझ चुकी थी। अब ये लोग बार में ऊपर आने का फैसला करते हैं। यहाँ अगर वो देखते हैं कि बार पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। नाचो को यहाँ पर एंड्रेस की गन मिल जाती है जिसे वो चुपचाप अपने पास रख लेता है। अब हम देखते हैं कि कुछ लोग बाहर से इस जगह को पूरी तरह से सील कर रहे होते हैं और ये लोग बड़ी ही शांति के साथ उन लोगों को देखते रहते हैं, क्योंकि अगर उन्हें पता लग गया कि बार के अंदर अभी भी 5 लोग बाकी हैं तब वो हम लोगों को भी मार देंगे। और तभी यहाँ पर फोन बजना शुरू हो जाता है और ये उसी मोटे आदमी का फोन होता है जिसकी डेथ इन्फेक्शन की वजह से हो गई थी। यहाँ पर एलेना उसका फोन उठा देती है और उसकी व्हाट्सएप चैट पढ़ना शुरू करती है। यहाँ पर एक आदमी इस मोटे आदमी से पता कर रहा होता है कि क्या वैक्सीन लेने के बाद तुम्हारी हालत में कुछ सुधार आया, जिस पर इस आदमी ने जवाब दिया होता है कि नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, और मैं किसी बार के वॉशरूम में छिपा हुआ हूँ और तुम मेरे पास मत आना। अभी यहाँ पर एलेना इसकी और भी पुरानी चैट पढ़ना शुरू करती है जिस पर इस मोटे आदमी ने लिखा होता है कि मेरे पास अभी भी 4 और वैक्सीन बची हैं और इस आदमी के पास जो इंजेक्शन होते हैं वही इस वायरस की वैक्सीन होते हैं। अब ये बात सुनकर ये लोग काफी खुश हो जाते हैं कि शायद ये वैक्सीन काम कर सकती है, लेकिन ये यहाँ पर सोचते हैं कि अगर इस आदमी ने वैक्सीन ली थी तब इसकी मौत क्यों हो गई। यहाँ पर वो फोन फिर से बजना शुरू हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि ये लोग उस फोन को उठा पाते उसकी बैटरी लो हो जाती है और फोन बंद हो जाता है। ये लोग किसी तरह से फोन को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एलिना कहती है कि इस आदमी ने चैट्स में कहा था कि इसके पास 4 और वैक्सीन बची हैं और हमें उन 4 वैक्सीन को ढूंढना चाहिए। अब इसके बाद ये लोग स्टोर रूम में उस आदमी की लाश के पास पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर कोई भी वैक्सीन नहीं मिलती। अब इसके बाद ये लोग वॉशरूम में जाते हैं जहाँ पर पहले से ही इजराइल अपने हाथ में वो वैक्सीन लेकर बैठा हुआ था। इजराइल इन सब में से एक को मरने के लिए कहता है क्योंकि वो वैक्सीन 4 है और ये लोग 5। और इजराइल एक इंजेक्शन निकालकर सबसे पहले अपने आप को इंजेक्ट करता है। नाचो उस पर अपनी गन पॉइंट कर देता है, लेकिन इजराइल फिर भी वो वैक्सीन अपने अंदर लगा लेता है। इसलिए यहाँ पर इजराइल और नाचो के बीच फाइट हो जाती है और इजराइल नाचो पर भारी पड़ जाता है और नाचो की गन को छीन लेता है। इसी दौरान वो वैक्सीन इजराइल के हाथ से छूटकर नीचे तहखाने में चली जाती है। अब यहाँ पर आकर ट्रिनी उन वैक्सीन को उठा तो लेती है, लेकिन उसके हाथ से भी वैक्सीन छूट जाती है और वो उसी ड्रेनेज में जाकर गिर जाती है। अब ये सभी लोग उस वैक्सीन को उस ड्रेनेज से निकालने के बारे में सोचने लगते हैं। अब एलिना का शरीर इन सबसे पतला था, इसलिए ये लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम उस नाले में जाकर वो वैक्सीन ला सकती हो। अब एलिना को पहले तो डर लगता है, लेकिन बाद में वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद एलिना की बॉडी पर भी तेल लगाकर उसे चिकना किया जाता है और काफी मेहनत करने के बाद वो उस ड्रेनेज के अंदर चली जाती है। एलिना उन वैक्सीन को ढूंढकर पानी से बाहर आ जाती है। यहाँ पर नाचो उन वैक्सीन को एक तार में बांधकर ऊपर भेजने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर एलिना साफ साफ मना कर देती है कि ना भाई ना, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम मुझे यहीं छोड़ दोगे क्योंकि ऊपर पहले से ही 4 लोग हैं। एलिना कहती है कि देखो, अगर तुम्हें वैक्सीन चाहिए तो तुम्हें नीचे आना होगा। और इसलिए ये लोग उस ड्रेनेज के छेद को बड़ा करने लगते हैं और अंदर एलिना बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू कर देती है। यहाँ घूमते हुए उसे एक जगह पर रोशनी दिखाई देती है और वो उन वैक्सीन्स को यहाँ पर बने एक गड्ढे में छिपा देती है।
ये यहाँ पर एक जाली में से झांक कर देखती है कि बाहर बहुत सारी पुलिस फोर्स है और जो बार में इनके 3 साथी मर गए थे वो उन्हें जला रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें उन बाकी 4 लोगों को दिखाया जाता है, वो भी गड्ढा खोद कर किसी ना किसी तरह से नीचे आ जाते हैं। अब इसराइल और नाचो के बीच फिर से लड़ाई हो जाती है और इस बार नाचो उससे अपनी गन छीन कर उसे गोली से शूट कर देता है। अब क्योंकि नाचो के पास गन होती है और सभी लोग उससे डर रहे होते हैं, वो यहाँ पर सैतुर को गन पॉइंट पर ले लेता है और एलिना से वैक्सीन देने के लिए कहता है। नाचो कहता है कि देखो हमारे पास 3 वैक्सीन है और अगर मैं इसे मार दूंगा तो हम बच सकते हैं। अब इसके बाद एलिना इन्हें उस जगह पर ले जाती है जहां पर उसने वैक्सीन छिपा दी थी। अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, नाचो और एलिना आगे चलते हैं जबकि सैतुर और ट्रिनी इनके पीछे आ रहे होते हैं। और तभी अचानक से ट्रिनी सैतुर को पानी में डुबाकर उसे मारने की कोशिश करती है ताकि ये आसानी से वैक्सीन ले लें, लेकिन नाचो ट्रिनी को ऐसा करने से रोक देता है। तो ट्रिनी कहती है कि ठीक है तुम मुझे मार दो और बाकी बची वैक्सीन तुम खुद बांट लेना, इससे तुम्हारी जान बच जाएगी। और अब नाचो अपनी गन ट्रिनी पर तान देता है लेकिन नाचो ट्रिनी को मार नहीं पाता और इसके बाद ट्रिनी नाचो से गन लेकर कुछ दूरी पर जाकर खुद को ही शूट कर लेती है। अब यहाँ पर सिर्फ 3 लोग बचे थे और इनके पास इंजेक्शन भी 3 ही होते हैं, इसलिए ये सभी लोग एक एक इंजेक्शन अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये खुद को इंजेक्शन दे पाते यहाँ पर इजराइल आ जाता है। ये अभी तक मरा नहीं था, ये सैतुर पर पीछे से हमला करके उसे मार डालता है और वो नाचो और एलिना की जान के पीछे भी पड़ जाता है। और तभी नाचो और एलिना को सामने सीढ़ियां दिखाई देती है, वो उससे होते हुए ऊपर जाने लगते हैं लेकिन तभी एलिना के पास जो इंजेक्शन होता है वो उससे छूट कर नीचे गिर जाता है। अब ये लोग उसे उठाने जा नहीं सकते थे क्योंकि इजराइल भी सीढ़ियों पर चढ़ रहा था और इसलिए नाचो अपने इंजेक्शन एलिना को दे देता है और इसराइल नाचो के पैर पकड़कर नीचे गिर जाता है। इन दोनों की नीचे गिरकर मौत हो जाती है और एलिना के पास जो वैक्सीन बची होती है वो उसे अपने शरीर में लगा लेती है और ऊपर ड्रेनेज के ढक्कन को खोलकर उससे बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, जहां से वो निकली थी उसके आगे के इलाके को पूरी तरह से सील किया हुआ होता है। और तभी यहाँ पर एक औरत एलिना को अपनी जैकेट दे देती है, वो चुपचाप उस भीड़ में मिल जाती है और इस तरह से सिर्फ एलिना ही अकेली सर्वाइवर बचती है। अब इस मूवी में जो वायरस फैला था ऐसा हो सकता है कि आर्मी ने ही कोई अपना बायोलॉजिकल वेपन बनाया हो, लेकिन इस दौरान उनका खुद का ही एक सैनिक इन्फेक्टेड हो गया। वैसे तो इस वायरस की वैक्सीन भी होती है लेकिन वो आदमी काफी ज्यादा बीमार था इसलिए वो बच नहीं पाया। और जब आर्मी को पता लगा कि इनका वो ऑफिसर बार के अंदर है तो उन्होंने पूरे एरिया को सील करके बार में जितने भी लोग थे उन सभी को मार दिया ताकि वहां से वायरस किसी भी इंसान के साथ बाहर ना जा सके और इसलिए उन्हें ये मुश्किल कदम उठाना पड़ा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, सरकार ने सही किया या गलत, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।